अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सुहासनीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस सिंपल टेक्निक। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी पीएनजी इमेज का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फोटोशॉप ओपन कर लेना है, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है। आपने वो फाइल ओपन कर लेनी है जिसका आपने कलर चेंज करना है, ठीक है। मेरी फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी है, मैं जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका बताने का मकसद ये, अक्सर आप आइकन्स वगैरह डिजाइनिंग करते हुए या कोई और काम करते हुए आपको कुछ आइकन्स चाहिए होते हैं जिनका कलर आपकी पसंद का चाहिए। मतलब आपको तो ब्लू कलर का आइकन मिला, आप उसको चाहते हैं कि ये ब्लैक मिले या रेड मिले, ठीक है। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आपको ये करना है, ऐसे इमेज खोल के अपने इस पर क्लिक करना है। आपको करना है ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आपने ये नज़र आ रहा होगा कलर ओवर क्लिक करना है, ठीक है। ये टीका का निशान आ गया। अभी यहाँ पर पूछ रहा है ब्लेंड मोड, इसको नॉर्मल रहने देना, ओपेसिटी इतनी रहने देना, 100 कर देनी है। इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पसंद का जोन सा कलर आपने चेंज करना है, वो आपने कलर कर, ठीक है। फिर आपने दुबाना ओके, यहाँ पे ओके दुबाना है, तो ये आपकी पीएनजी इमेज का कलर चेंज हो गया। और फिर इस फाइल को आपने सेव करके जहाँ भी आपने यूज़ करना है आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, मेरी फाइल सेव होगी, आप इसका कलर भी चेंज होगा।